सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। डाउनलोड द ऐप। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। कार्तिक का दिल पढ़ाई में लगना चाहिए, मगर सोचिए अगर उसका दिल पढ़ाई की जगह पढ़ाने वाली में लग जाए तो खुटी देख लीजिए। प्यार की पाठशाला लेकर आ रहे हैं मुबीन एज फादर, सिद्धार्थ एज किड एंड करिश्मा एज टीचर। क्या बात है, इतने सारे म्यूजिशियन एक साथ, लगता है मैं इंडियन आइडल के सेट पे आ गया हूँ। अरे नहीं नहीं, बेसुरे भी हैं। अरे अर्चना जी, इधर देख रहा हूँ, हर बात आप पे थोड़ी होगी। और कौन आया है? ओहो कनिका जी, आई आइए। आऊं आऊं? नहीं नहीं। खैर, अरे क्या बात है, मनमीत और हरमीत। हालांकि मैं आपको जी भी बोल सकता था, लेकिन मुझे बाहर पता चला आप बलराज के साथ क्रिकेट खेलते हैं। सच में आप क्रिकेट खेलते हैं? सच में बलराज के साथ? तो दोनों में से बल्ला इसकी नाक में किसने मारा है? वैसे सच बताऊं, ये सब बातें तो मैं ऐसी कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ अपने बच्चे से। इतना नामकूल बच्चा है मेरा, उसकी वजह से मेरी दूसरी बीवी भाग गई। क्योंकि पहली तो उसे जन्म देते ही डॉक्टर के साथ भाग गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया उसने कुछ ना कुछ तो गलत किया है। आज उसका एडमिशन है, मुझे स्कूल लेकर जा रहा हूँ। कहाँ है बे? चले पोटी जाके हाथ धोया कर, तो कलाइयों में चिट्ठियां काहे लगेंगी, काहे लगेंगी। अबे पागल बाप, वो चीटियां नहीं मक्खियां होती हैं। मक्खियां होती हैं? अच्छा मुझे क्या पता, मैं तो कभी टॉयलेट गया ही नहीं। ओ कभी कब्जी जैसा एक्सप्रेशन मुंह पे आ रहे हैं। अरे अपने बाप को कुछ भी बोलता, बाप को बोलता, बाप को बोलता है। इसको माँ की गाली भी नहीं दे सकते, अपनी दादी गुस्से में आती है। अबे बाप, तेरी जैसी शक्ल के बच्चे बचपन में भी क्यूट नहीं होते पता। बाप का मजाक उड़ाता है तू? जो है तेरे पास वही उड़ाऊंगा, पैसे होते पैसे उड़ाता। देखा आपने, आजकल हर बच्चे को बस बाप की दौलत चाहिए। अरे कितनी तकलीफ उठा उठा के पाला है मेरे तुझे, पेट काट काट के पाला है। साला ये लाइन बोलने के चक्कर में रोज पेट पे काटता है मेरे। बस एक बात है, अच्छे जी बहुत मेहनत के इस आदमी ने मुझे पालने के लिए। रोज दूध और अंडे चुरा के लाता था दुकान से, कई बार तो दुकान वाले ने इसको मुर्गा बना के अंडे भी वसूल किए। मुझे कई बार लगता है चलो मुर्गा बना के अंडे वसूल कर लिए, दूध क्या बना के वसूल कर। ए, स्कूल का पहला दिन है, चल चल जल्दी चल। नहीं, मैं पहले अपने माचो अंकल से बात करूंगा। आए माचो। अरे बहुत बड़ा माचो है ये। माचो के पसीने पे। माचो यहाँ पूछ रख के माचो गले में डंडा फंसा के। देख बेटा तुझे स्कूल जाना पड़ेगा। नहीं पापा, पढ़ लिखने में क्या रखा है, क्या होगा पढ़ाई लिखाई? तुझे स्कूल जाना पड़ेगा। यह हमारी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। मेरे दादाजी गए थे, मेरे पिताजी गए थे, मैं गया था, और अब तुम भी जाओगे। जी पिताजी। हाँ क्या? बिना छत के स्कूल में कौन भेजता है बे? हाँ बेटा छत नहीं है, बस जैसे ही दीवार बनाने की जगह मिल जाएगी वहाँ छत भी डल जाएगी। वो क्या, हमारा खानदानी स्कूल है। अच्छा। वहाँ मेरे पिताजी भी गए थे, लड़की छेड़ के उन्होंने अपना सर फड़वाया, मैं भी गया था, लड़की छेड़ के अपनी टांग तोड़वाई। तू भी इस परंपरा को आगे लेके जाएगा? तो फिर मुझे वहाँ जाने की जरूरत है, यहीं तोड़वा लेता हूँ। हाय। अच्छा परंपरा आगे बढ़ानी? हाँ परंपरा आगे बढ़ाऊंगा। अर्चना को छेड़। साले टांग तोड़वाने की बात तुझे सुसाइड की नहीं? कहीं पट के हाँ बोल दिया, मुझे खा गई डेट पे। क्या जरूरत है पढ़ाई की? अरे बहुत जरूरत है, मुझे फायदा हुआ है पढ़ाई से। हाँ कच्चे बेचता है आज? हाँ कच्चे बेचता हूँ, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, मुझे ये नहीं पता था दो कितने होते चार कितने होते। लोग दो बोल के चार थप्पड़ मार देते, आजकल मना कर दे भाई दो मारे दो, और पूरा कैलकुलेशन होता है मुझे। क्या बात है बाप। हाय बेटा, कैसी हो? टीचर ठीक हूँ। ठीक है दो। ए, काका तू जा यहाँ से, चल तेरा काम हो गया। हमारी सल्तनत में जाके कह देना हम ले जाएंगे। नौकर है तुम्हारा? हाँ। ए, अरे नहीं 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 मैडम, नौकर नहीं, मैं इसका जुड़वा भाई हूँ। देखा देख नहीं? अला सफेद झूठ, बाप है मेरा। तू झूठ बोल रहा है बाप। बहू पहुंचो बापू के।
शर्म नहीं आती हा? अपनी माँ जैसी टीचर को बहू बोलता है, शर्म नहीं आती? क्या बकवास कर रहे हो दोनों? थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। वैसे मैडम आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको तो हीरोइन होनी चाहिए मूवी सौदागर की। तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। हाँ तो वापस ले लो। मेरा कहने का मतलब है कि मेरा बचपन से सपना था कि मैं बड़ी होकर एक बहुत बड़ी हीरोइन बनूं। अच्छा, नहीं सपना तो अर्चना जी का भी था कि बड़ी होकर हीरोइन बने, लेकिन इन्हें क्या पता था इतनी बड़ी हो जाएंगी कि हीरो के रोल ऑफर आने लगेंगे। फिर आप वो जुड़िए, ये बताइए कि मेरे लिए कोई क्लास है? आपको क्लास की क्या जरूरत है, आप तो वैसे थर्ड क्लास है। देखा बेटा कितना टैलेंटेड है तेरा बाप, स्कूल का पहला दिन है तीसरी क्लास में डाल दिया तेरे बाप को। और बुला भी आपको मम्मी वाले नाम से रही है, पेट नेम से थर्ड क्लास। मम्मी भी बन जाएगी है कि? देखो तुमने बच्चे को छोड़ दिया ना, अब निकलो यहाँ से। अरे नहीं नहीं, इसके एडमिशन के लिए नहीं आया हूँ मैं, अपने एडमिशन के लिए आया हूँ। ये परमात्मा, शर्म नहीं आती पापा? अपने बेटे की जिंदगी उजाड़ रहे हो, उसका घर तोड़ रहे हो, अपने घर बचाने के लिए अपने अंडे खाने वाले सांप। बेटा जी। टीचर पापा से ऐसी बात नहीं करते, ऐसे बोलते हैं शर्म नहीं आती केचुए खाने वाले केकड़े। ओए ओए ओए, केकड़े खाने वाले केचुए। ओए भाई, केकड़ा कहो या केचुआ, जाल में तो तुमने फंसा ही लिया है। शर्म मैं पढ़ूंगा, मेरा एडमिशन कराओ मैम। मैम मैं बोल रहा हूँ मैम। ए, चल उधर, चल चल उधर, चल। क्या कर रहा है, टीचर के साथ ऐसी बदतमीजी करता है? देखो मैं तुम दोनों से जीके के क्वेश्चन पूछूंगी और जो भी सही जवाब देगा उसका एडमिशन मिल जाएगी। अच्छा, वेरी गुड। वैसे ये जीके होता क्या है? हटिया कुत्ते के सवाल। फिर आप एक काम कीजिए, पीके के भी सवाल पूछिए। पीके? पागल कुत्ते के। अरे जीके मतलब जनरल नॉलेज। अच्छा जनरल नॉलेज, अरे फिर तो आप बिल्कुल पूछ सकती है। मैंने 6 महीना जनरल स्टोर में काम किया, मुझे पूरा नॉलेज है। देखो मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? ये बताओ कि करिश्मा को इतनी कम लाइनें क्यों मिलती हैं? डिलीवरी की वजह से। दूसरा क्वेश्चन, हाँ, धरती गोल क्यों है? मुझे लगता है हलवाई ने बनाई होगी ऐसे। अच्छा छोड़ो, अगला सवाल, हिटलर की पार्टी का नाम क्या था? बैचलर पार्टी। गलत जवाब। गलत क्यों? मैं तेरे को बुलाया नहीं तो गलत हो गई बैचलर पार्टी। बताओ कि बर्मा अलग क्यों हुआ? बर्मा अलग हो गया, अब मैं मिसेज वर्मा को आराम से छेड़ सकता हूँ। गधों में देश की बात कर रही हूँ। जिससे एक्ट की बात नहीं होती वो देश की बात कर रही है। ताली बजाओ। ओहो, क्या बात है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? दूसरा वो तीसरे से पहले। ये कोई जवाब है? बेटा इसे कुछ नहीं पता, आप मुझसे पूछिए। मुझे लगता है पहले के बाद हुआ था। अर्चना जी, नॉर्मली बेटा बाप पे जाता है, पर ये पहली बार है कि बाप बेटे पे गया है। मतलब तू भी पागल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीतर के दो आगे पीछे, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर? वाह, जितनी लाइन फंबल के साथ सब तीतर भीतर। वैसे मैडम एक बात बताओ, ये जो तीतर की आप बात कर रही है, कहाँ बैठे हैं? मेरे सर पे। मैडम फिर वो जुए उनको तीतर देख कैसे गिनो मत, निकाल के फेंको। देखा, एक बंदर को पता होता है, बंदर बंदर को पता होता है जुए कहाँ बैठी, क्या करता है टीचर के साथ ऐसी हरकत, टीचर के साथ ऐसी हरकत। चल ठीक है, आखिरी सवाल मैं पूछूंगा। हाँ। बाप, हाँ बता, रात के 12 बजे के बाद अगर मूली के पराठे खाओ तो क्या होता है? जी मुझे नहीं पता। पता नहीं तो ठीक क्यों बोला बे? ठीक क्यों बोला? इसे लग रहा है छी के अंदर अभी फैलाया हुआ कांड छुपा लेगा। दिमाग खराब है ना? खराब नहीं है। मैडम आप नंबर तो खत्म करो। जजेस अर्चना जी, ये हमारा परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन, कैसा लगा आपको? आई थिंक थ्रू आउट द एक्ट मेरे रिएक्शन से बिल्कुल जाहिर है कि मुझे कैसा लगा। आई हैव टू से करिश्मा Stunning in that sari और आपकी performance. Thank you so much, ma'am. Mubeen, आप तो बहुत बेहतरीन करते हैं. From the time you enter only, इतनी expectation हो जाती है कि अब क्या होने वाला, और आप हमेशा उस पर खरे उतरते हैं. Thank you so much. No doubt about it.
ये एक ऐसी तिगड़ी है कि अनबीटेबल अनडिफीटेबल इनक्रेडिबल सहज सर। सिद्धार्थ जब आप आते हो ना और मैं आपको देखता हूँ ना तो आई स्वेयर ऑन गॉड मैं अपने सीट पे आई स्टार्ट मूविंग जस्ट टू बी इन द सेम फिजिकल पेस विद यू यू आर एब्सोल्युटली सुपर्ब सिद्धार्थ सर थैंक यू सो मच थैंक यू पहले मैं ये सोचता था कि यू नो सिद्धार्थ एंड मुबिन की जो जोड़ी बनेगी विल दी अदर कंटेस्टेंट्स बिल्ड टू कम्पीट विद दैट एवरी वन इज इन पार लेकिन व्हाट आई सी नाउ ऑल ऑफ यू गाइस इट्स अनबिलीवेबल आप तीनों की जोड़ी बहुत कमाल रही ट्यूनिंग बहुत अच्छी रही और सिद्धार्थ भाई ये एनर्जी कहाँ से लेके आते हो भाई कौन सी मार्केट से लाए हो हमें भी कुछ बता दो यार जो एक यू हैव टू शो अस कि तुम कैसे करते हो भाई एक बार वो करके दिखाओ जो तुम जंप कर रहे थे ना ये लुक एट इट एंड लाफ इतना यूनिक है ये इतना यूनिक है कि सपने में भी आएगा माइंड ब्लोइंग थैंक यू सो मच पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें सोनी लिव वी लिव टू एंटरटेन